Hello everyone, a very good morning you all. I welcome you all again in our next class. Students, in our previous session, we are doing the revision of our chapter number 5. And the name of our chapter number 5 is Food and Digestion, Bhojan Tatha Pachan. बेटा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जाना था व्हाई डू वी नीड फूड व्हाट फूड गिव्स अस खाना हमारे लिए क्यों जरूरी है और खाना हमें क्या देता है उसके बाद हमने जाना था अबाउट द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सो द एसेंशियल सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर फूड इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन में जो एसेंशियल सब्सटेंस या आवश्यक तत्व होते हैं उन्हें ही हम न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व कहते हैं Okay, these nutrients help us in proper growth and development of our body. ये nutrient हमारी body की proper growth and development में हमारी help करते हैं. Okay, so ये जो nutrients थे हमारे ये कितने type के थे? They are carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals. Okay, so now let's know about these nutrients one by one. Let's start with carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी बेटा ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हमें एनर्जी देते हैं ठीक है किसी भी काम को करने के लिए ये हमें ताकत देते हैं एनर्जी देते हैं सो दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड सो बेटा हम कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड के भी नाम से जानते हैं ओके सो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देते हैं बेटा दे आर गिविंग अस एनर्जी ये हमें एनर्जी देता है सो कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स हम कार्बोहाइड्रेट्स को दो तरह से ले सकते हैं स्टार्च के रूप में ले सकते हैं और शुगर के रूप में ले सकते हैं हम जितनी भी मीठी चीजें खाते हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है अगर हम चॉकलेट खाते हैं टॉफी खाते हैं मिठाई खाते हैं किसी भी तरह की चीज जो मीठी होती है अगर हम उसे खाते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है उसमें ठीक है इसके अलावा स्टार्च स्टार्च लाइक हम गेहूं खाते हैं चावल खाते हैं पोटैटो ठीक है इन सब में क्या होता है बेटा स्टार्च होता है सो कार्बोहाइड्रेट को हम दो तरह से ले सकते हैं स्टार्च के रूप में लेते हैं और शुगर के रूप में लेते हैं ओके कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं सो इसे हम एनर्जी गिविंग फूड के नाम से जानते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन प्रोटीन हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ वॉर आउट सेल्स बेटा बॉडी की जो ग्रोथ होती है ठीक है यानी ग्रोथ का मतलब है बॉडी जब बड़ी होती है जब बच्चा होता है छोटा होता है वो धीरे धीरे क्या करता है बेटा ग्रो करता है सो जो बॉडी की ग्रोथ होती है उसमें प्रोटीन बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है इसीलिए जो ग्रोइंग चाइल्ड्स होते हैं उन्हें प्रोटीन रिच फूड लेना चाहिए इसके अलावा बेटा जब कभी एक्सीडेंटली हमारी बॉडी की कोई सेल या हमारी बॉडी की जो स्किन होती है बेटा वो डैमेज हो जाती है तो प्रोटीन उस स्किन को भी रिपेयर करने में हेल्प करता है ओके फ्रेंड्स प्रोटीन्स आर आल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड बेटा प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जानते हैं मिल्क एग मीट इसके अलावा बेटा दालें ठीक है जितनी भी तरह की हम दाल खाते हैं दे ऑल आर रिच इन प्रोटीन इन सब में क्या होता है प्रोटीन होता है और हमें अपने फूड में या अपने मील में प्रोटीन को जरूर ऐड करना चाहिए क्योंकि प्रोटीन बेटा हमारी बॉडी की ग्रोथ में भी हमारी हेल्प करता है उसके अलावा हमारी बॉडी में अगर कोई सेल डैमेज हो गई है तो उसे रिपेयर करने में भी हेल्प करता है ओके नेक्स्ट है हमारा फैट फैट को हिंदी में हम बेटा वसा बोलते हैं ठीक है फैट गिव्स अस हीट एंड एनर्जी फैट बेटा हमें हीट देता है हीट इन द सेंस बेटा जो फैट होता है वो हमारी बॉडी को गर्म रखता है एंड ये भी हमें क्या देता है एनर्जी देता है ओके फैट क्या होता है बेटा इट स्टोर्ड इन अवर बॉडी एंड कीप्स अस वार्म फैट बेटा धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर हमारी स्किन की लेयर के अंदर स्टोर होता रहता है इकट्ठा होता रहता है और ये हमारी बॉडी को क्या करता है बेटा गर्म रखता है ठीक है हमारी जो बॉडी है बेटा उसमें फैट स्टोर होता रहता है इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो लोग ज्यादा ही तेल वाला खाना खाते हैं या बेटा जो लोग ऐसा खाना खाते हैं जिसमें फैट ज्यादा होता है तो वो धीरे धीरे ओबेसिटी या मोटापे की बीमारी का शिकार हो जाते हैं ठीक है सो हमें अपने खाने में फैट की जो क्वांटिटी होती है बेटा वो थोड़ी कम रखनी चाहिए आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी देता है बट कार्बोहाइड्रेट बेटा जो हमें एनर्जी देता है वो क्विक एनर्जी होती है लेकिन जो फैट हमें दे रहा है वो स्टोर्ड एनर्जी होती है
ठीक है। फैट क्या होता है बेटा, वो हमारे बॉडी में स्टोर होता जाता है और हमारी बॉडी को गर्म रखता है। जितने भी तरह के हम ऑयल खाते हैं वो सारे ही हमारे फैट के एग्जाम्पल हैं। ओके, नेक्स्ट इज विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। बेटा जितने भी विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं ये हमारी बॉडी की डिजीजेस या बीमारी से सुरक्षा करते हैं। बेटा विटामिन एंड मिनरल्स हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं जिससे हम बीमारियों से लड़ सके। ओके, सो बेटा विटामिन एंड मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव फूड के नाम से भी जानते हैं। ओके, जितनी तरह के भी बेटा हम अपने फ्रूट्स खाते हैं उसमें हम क्या मिलता है बेटा हमें, उससे हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। हम जितनी भी वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। हमारी बॉडी को बेटा विटामिन एंड मिनरल्स की बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत नहीं होती है, बट यस हमें उसकी जरूरत होती है। सो हमें डेली अपने खाने में विटामिन एंड मिनरल्स के सोर्सेज को एड करना चाहिए। ओके, इसके अलावा बेटा कुछ और भी चीजें होती हैं खाने में हम इसको ऐड कर सकते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और यूजफुल होती हैं। जैसे कि हेयर आर रफेज। व्हाट इज रफेज? फाइबर रिच फूड्स आर नोन एज रफेज। ठीक है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन। बेटा हम अपने खाने के साथ जो भी रॉ वेजिटेबल्स या रॉ फ्रूट्स ऐड करते हैं दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ रफेज। ओके, लाइक हम सैलड खाते हैं, कुछ ऐसी सब्जियां होती है बेटा जिसे हम रॉ खा सकते हैं, लाइक कैरेट है, रेडिश है, टोमेटो है, इनको हम क्या करते हैं एज अ सैलड अपने फूड में ऐड करते हैं। बेटा वो हमारे फूड का पार्ट नहीं होते हैं बेटा, वो हमारे खाने के प्रॉपर डाइजेशन में हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। ओके, इसके अलावा है मोस्ट एसेंशियल वाटर। सबसे ज्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा पानी, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, व्हाट इज द वर्क ऑफ वाटर? इट हेल्प्स इन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करता है एंड ऑल्सो इट इज हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन। और हमारे भोजन के प्रॉपर डाइजेशन में भी ये क्या करता है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, सो बेटा आप सभी को क्या करना है, अपनी रिविजन कॉपी में इसको प्रॉपरली लिख लेना है। ओके, और उसके बाद आपको इसे अच्छे से लर्न करना है। व्हाट इज द वर्क ऑफ कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोटीन, व्हाट इज द वर्क ऑफ फैट, विटामिन एंड मिनरल्स एंड किस तरह से रफेज एंड वाटर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके बेटा, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।